फ्रेंड्स, कुलविंदर कार्टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 4K रेजोल्यूशन का डैश कैमरे के बारे में आपको बताऊंगा। ये कैमरा किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या क्या इसके फीचर्स हैं, छोटी सी एक अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा। जिस टाइप से आता है, इसमें हमारा IMX सेंसर्स दिए हुए हैं, बहुत हैवी रेजोल्यूशन का सेंसर्स दिए होते हैं, सोनी के कैमराज होते हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। फिर नाइट विजन दिया हुआ है इसके अंदर में, जी सेंसर का ऑप्शंस मिल जाएगा, पार्किंग मॉनिटरिंग करेगा आपका, लूप रिकॉर्डिंग करेगा और वाईफाई एप्लीकेशन बेस्ड इसमें सपोर्टेबल होता है। ठीक है, तो अभी हमें इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ आपको मैं। इसमें हमारा एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है, 1 ईयर वारंटी कार्ड होता है आपका। ठीक है, मैनुअल्स दिया हुआ है, मैनुअल्स के अंदर में आपकी सारी डिटेल्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो अब हमारा ये है हमारा डैश कैमरा। यहाँ पे हमारा ये फ्रंट कैमरा है जो कि 4K रेजोल्यूशन सपोर्टिंग करता है, और ये हमारा इंटरनल कैमरा है, ये हमारा एक इंटरनल कैमरा है जो कैबिन के अंदर की रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2-वे, और प्लस इसके साथ में एक हमारा रेयर कैमरा आता है, ये हमारा रेयर कैमरा है, ये हमारा 3-वे हो गया। ठीक है, एक क्लिप दिया हुआ है जिसे हम माउंट कर सकते हैं अपने ग्लास के साथ में, से माउंट करने के लिए दिया हुआ है। ये एक इंटेलिजेंट पावर बॉक्स दिया हुआ है, ये हमारा इंटेलिजेंट बॉक्स है, और इंटेलिजेंट बॉक्स इसे क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ये रेयर कैमरा है, उसके बाद में हमारी ये 6.3 मीटर की हमारी केबल है जो कि ऑल कार्स के अंदर में इंस्टॉल हो जाती है, रेयर कैमरे के अंदर में, और हमारा ये 6.3 टेम्पो ट्रैवलर्स में भी लग जाता है रेयर कैमरा। अगर हमें टेम्पो ट्रैवलर में ये वाला कैमरा, डैश कैमरा लगाना है तो ये उसमें भी लग जाएगा, क्योंकि तो इसकी वायर वहाँ तक सपोर्टेबल है। फिर एक हमारी GPS एंटीना दिया होता है जिसको हमारी लोकेशंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको वीडियोस में सारी आप सेटिंग्स बताता हूँ, उसकी क्वालिटी के बारे में बताऊँगा, ये डैश कैम कैसे वर्क करता है। ये हमने डैश कैम को ऑन कर दिया है। ठीक है, GPS एंटीना दिया हुआ, GPS एंटीना लगा देंगे इसमें। उसके बाद में हमारा ये रेयर कैमरा है, रेयर कैमरे को मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक्सटेंशन वायर नहीं लगा रहा हूँ मैं इसकी, नहीं सॉरी लगाना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, ये इसका जो एक्सटेंशन वायर दिया हुआ है डैश कैमरे का। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लगाना है, सी टाइप का एक्सटेंशन वायर दिया हुआ है इसमें, यहाँ माउंट करेंगे एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल हम अपने रेयर कैमरे में पीछे फिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा तीनों कैमरे हमारे यहाँ पे शो करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग अभी मेरी चालू नहीं है, क्योंकि अभी इसमें मैंने अपनी सिम नहीं डाला है, मेमोरी कार्ड डलेगा यहाँ पे इस तरफ में, TF मेमोरी कार्ड, और इसका ये हमारा जो इन कैबिन का है, इसको हम मूवमेंट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो हमारा ये 3-वे कैमराज के अंदर आता है, 3-वे कैमरा एंड 2-वे कैमरा। 2-वे में हमारा सिर्फ ओनली मतलब आपका ये इंटरनल मतलब कैबिन का और आगे फ्रंट का दिखाता है, और 3-वे के अंदर में हमारा इसमें हमारा रेयर कैमरा ऐड हो जाता है जो रिवर्स का भी आपका पीछे का भी व्यू दिखाएगा इसके अंदर में। ठीक है, तो इसमें फ्रंट इनसाइड कैबिन एंड रेयर 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। इनसाइड जो फ्रंट कैमरा हमारा 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, जो इनसाइड का जो कैमरा है वो हमारा 1920 फुल HD क्वालिटी देता है। ठीक है, और जो हमारा रेयर कैमरा है वो 2.5K आपका रेजोल्यूशन सपोर्टेबल है। मेमोरी सपोर्टिंग हमारी इसके अंदर में 8 GB मिनिमम और मैक्सिमम 256 GB हम इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्टिंग करा सकते हैं। और ऑडियो बिल्ट इन माइक्रोफोन दिया हुआ है इसमें, हमारा साउंड का रिकॉर्डिंग होता है। सेंसर कैमरा जो हमारे इसके अंदर जो कैमराज लगे हैं वो सोनी के IMX-335 फ्रंट कैमरा है। गैलेक्सी कोर हमारा इनसाइड का कैमरा है, GC-2053 ये कैमराज के नंबर्स होते हैं। और रेयर कैमरा हमारा सोनी का ही है, और IMX-335 रेयर कैमरा हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर में। फिर इसमें हमारा वीडियो फाइल सपोर्टिंग, हमारा MP4 इसमें वीडियो फाइल सपोर्टिंग करता है। इसका स्क्रीन का साइज 2.0 IPS स्क्रीन है इसका। कनेक्टिविटी विद वाईफाई से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। पार्किंग मॉनिटर दिया हुआ है, जी सेंसर दिया हुआ है, लूप रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स है, ऑटो स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, ऑटो वीडियो रिकॉर्डिंग है, रोड कैम एप्लीकेशन दिया हुआ है इसके अंदर में। रोड कैम एप्लीकेशन अपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो रोड का
डॉट कैम एप्लीकेशन, जिसमें वाईफाई जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें पासवर्ड मांगेगा डिवाइस, तो हम उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हम उसमें पासवर्ड एंटर करेंगे इसका। रेयर कैमरा जो है उसकी जो एक्सटेंशन वायर है, सबसे मेन अब हम आते हैं जो रेयर कैमरा की जो एक्सटेंशन वायर है, तो उसका जो यूज है उसमें आपका 6.3 मीटर की हमें एक्सटेंशन होगी, 21 फिट की हमें एक्सटेंशन वायर प्रोवाइड होती है, और ये हमारे ऑल टाइप्स ऑफ कार्स में इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके अंदर में हम इसमें अपना टेम्पो ट्रैवलर जो हमारा 21 फीट तक का आता है तो हम उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। तो हमारा ये ऑल कैमरास प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कार्स एंड टेम्पो ट्रैवलर्स में हम इसको डैश कैम को हम फिट कर सकते हैं। GPS है जो आप हमारी स्पीड शो करता है, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड शो करेगा GPS, लोकेशंस बताता है हमारा, और यूजर सेंस में कार ऑन टेम्पो ट्रैवल में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। तो इसके फीचर्स वगैरह कैसे हैं, आप अंदर स्टीरियो से हमें सेटिंग करना है डिवाइस से, तो वो भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ डैश कैम के बारे में। तो सबसे पहले तो डैश कैम को हमें पहले पावर बटन से हम इसको ऑफ करेंगे। लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको, तो हमारा इस टाइप से डिवाइस बंद हो जाएगा। अब इसमें मेमोरी कार्ड लगाएंगे हम। मेरे पास अभी एट द मोमेंट 128 GB का मेमोरी कार्ड है, तो मैं इसमें 128 GB का मेमोरी कार्ड लगाता हूँ। ये 128 GB का सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड है मेरे पास। और इसको हम पावर बटन दबाएंगे, इसका डैश कैम हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे हम इसमें मेमोरी कार्ड बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी रिकॉर्डिंग जो है ऊपर में देखेंगे तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तीनों कैमरों की रिकॉर्डिंग हमारी इसमें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ डैश कैम के अंदर में सेटिंग्स करना है। सपोज हमें अपने पहले इसमें वीडियो स्टॉप करेंगे और इस तरह ये नीचे ऑप्शंस पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके, तो पहले वाले बटन से इसके वीडियो को स्टॉप करेंगे और इधर के पहले सॉरी वीडियो प्ले स्टॉप करेंगे और इसे पहले पॉइंट से हम टच करेंगे इसके वाईफाई वाले ऑप्शंस में। इसमें सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आता है वीडियो रेजोल्यूशन का, इसमें दिखाएगा हमें रिकॉर्ड की सेटिंग करनी है और जो सिस्टम की सेटिंग करनी है वो हमें यहाँ से दिखाएगा। तो हम इसको एरो से इस सेटिंग में जाकर इसको ओके कर देंगे यहाँ से। तो इसमें हमारा स्क्रीन सेवर टाइम डिस्प्ले टाइम वगैरह टाइमिंग वगैरह हम इसमें डेट और टाइम यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पर हम इसको डेट और टाइम चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेट और टाइम चेंज करेंगे। उसके बाद जब हमें इसे वाईफाई से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने वाईफाई में जाकर वाईफाई वाले ऑप्शन में जाकर इसको ओके करके वाईफाई वाले ऑप्शन को ऑन करना है। ठीक है, वाईफाई ऑन करने के बाद में हमें मोबाइल अपने मोबाइल के ऊपर में जाकर इसके वाईफाई वाला जो सेटिंग्स आती है हमें इसको ऑन कर यहाँ पे इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये हमारा जो डिवाइस का जो नाम है वो इसमें शो करेगा हमारे वाईफाई के अंदर में यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे दिया है M600, इस पर हम टच करेंगे और इसमें पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे शो करेगा कि वाईफाई से हमारा यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया ऊपर में M600 से। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके सेटिंग्स वाले ऑप्शन एप्लीकेशन में जाना है जो हमें इसमें डैश कैम का हमने रोड कैम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है इसको ऑन करना है। ये हमारा प्ले स्टोर से इजिली मिल जाता है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, और हम इस पर टच करेंगे वन टाइम और हमारा यहाँ पे लाइव व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तीनों कैमरे के हमारा इसमें लाइव व्यूज हमारा इसमें चालू हो जाएगा। ठीक है, और वाईफाई का फंक्शन ये होता है कि आपके डैश कैम के अंदर में जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होएगी, ठीक है, डैश कैम रिकॉर्डिंग करेगा, आपको सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट करना है, आपके टोटल सारे के सारे वीडियोस जो है ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे आपके डैश कैम के अंदर में। ठीक है, वीडियोस वाले ऑप्शन पर टच करोगे तो इसमें हमारे वीडियोस के ऑप्शन आ जाएंगे, जितने भी हमारे वीडियोस अभी रिकॉर्ड हुए होंगे मेमोरी कार्ड में।
ठीक है। और जो ऑडियोज होंगे, ऑडियोज क्लिप्स वगैरह होंगी, वो हम अपने फोटो में जाएंगे, हमने जो फोटोज क्लिक करी होगी तुम्हारे फोटोज के अंदर में हमारी सारी उसमें फोटोज आ जाएंगी इसकी, ठीक है। और इसके अंदर फंक्शन एक आपका सबसे मेन फंक्शन जो इसके अंदर में होता है, ये तो आपका लाइव ट्रैकिंग कर सकता है, लेकिन जब हम पार्किंग मोड में आते हैं, गाड़ी को हम पार्किंग मोड में खड़ी करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये डैश कैमरा होता है, ये स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। स्लीप मोड में चलने के बाद में इसमें जी सेंसर का फंक्शन एक्टिवेट होता है, ठीक है। एक्टिवेट का उसका फंक्शन ये होता है कि आपकी गाड़ी पार्किंग मोड में खड़ी है, कोई भी गाड़ी के ऊपर आपका इम्पैक्ट करता है आगे या पीछे से, कोई छिड़ेगा गाड़ी को, टक्कर मारेगा, हिट करेगा, कुछ भी इम्पैक्ट करेगा, तो इसका जो इंटेलिजेंट पावर बॉक्स जो दिया हुआ है ये इंस्टेंट ऑन होगा और एक मिनट की रिकॉर्डिंग करेगा। एक मिनट की रिकॉर्डिंग करके आपका फ्रंट का, इंटरनल का और बैक का, रेयर का, तीनों की रिकॉर्डिंग करेगा डैश कैम, और आपका सेव करके फाइल को अपना स्टोर कर देता है इसके लॉक वाली फाइल्स के अंदर में। आपको क्या करना है, सुबह जैसे कि आप गाड़ी में जब दोबारा जाते हैं तो आप उसमें वाईफाई से कनेक्ट करना है, और वाईफाई से जैसे कनेक्ट करेंगे तो लॉक फाइल्स के अंदर में जाकर आप अपनी वो फाइल्स को देख सकते हो कि किसने आपकी गाड़ी को हार्म किया है, तो आप उसे डिटेक्ट कर, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ और फंक्शंस इसमें दिया हुआ है, आप इसके अंदर में आप इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों दिखाता है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटीज़ है वो भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। एक तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग को हम इसमें ऑफ करेंगे, और सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन की सेटिंग्स आती है, रेजोल्यूशन पे टच एंटर करके लॉक करेंगे। यहाँ पे हमारे मतलब फ्रंट का 4K और रेयर का हमारा 2K का दिखा रहा है, अगर हमें इसका रेयर का नहीं चाहिए तो हम यहाँ से हमने कैमरा मोड चेंज कर सकते हैं, फ्रंट और इनसाइड का दिखाएगा, यहाँ पे हमारा अगर रखेंगे तो तीनों का दिखाएगा, फ्रंट, इंटरनल और रेयर का, तीनों का रेजोल्यूशन का दिखाता है, तो 4K रेजोल्यूशन सपोर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, कैमराज की डुअल कैमराज डिस्प्ले कर सकते हैं, कैमरे को कैसे लगाना है, फ्रंट लाना है, इनसाइड लाना है, रेयर करना है, या फ्रंट रेयर इनसाइड तीनों का देखना है, तो हम तीनों का देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया है इसमें, गाड़ी में गाड़ी कोई भी ड्राइव कर रहा है, जो कोई भी गाड़ी कैबिन के अंदर में बात करते हैं, कुछ भी करेंगे, तो इसमें जो भी साउंड हम बात करेंगे तो हमारी सारी की सारी साउंड इसमें कैमराज में रिकॉर्ड हो जाती है, तो हम यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग को, साउंड रिकॉर्डिंग को। उसके बाद में हमारा इसमें डेट और टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, जी सेंसर का फंक्शन दिया हुआ है, जी सेंसर के फंक्शन को हम इसमें लो पे रखते हैं कि हल्का सा भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो फोटो उसका वीडियो बना लेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें आईआर कट दिया हुआ है, जो हमारा ये जो इसमें जो एलईडी टाइप में दिया हुआ है, आईआर एलईडीज दी हुई हैं, ये हमारा नाइट विजन के लिए काम करता है, नाइट विजन रात के समय में ये आपका अच्छी क्वालिटी में फोटो क्लिक करके इसमें रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। उसमें हमारा पार्किंग मॉनिटर हमारा इसमें ऑन रहना चाहिए, जैसे जो ऑफ कर रखा है, इसको हम मोशन डिटेक्शन में या जी सेंसर में हम किसी में भी इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेटिंग ये तो मैंने आपको बताया दिया था, इसके अंदर में स्क्रीन सेवर दिया हुआ है, टाइम डिस्प्ले दिया है, वाईफाई, डेट और टाइम, फिर आपका बीप साउंड, लैंग्वेजेस, फ्रिक्वेंसी, आपका ऑटो पावर ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, इंडिया का टाइम जोन ला सकते हैं, यहाँ से GPS इंफॉर्मेशन दिखाएगा आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारी इंटरनल स्टार्टिंग है DVR की, और बाकी इसकी जो क्वालिटी है बहुत हैवी रहती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू। Short video. Hey. Tere kar kar na sta, mujhe sun galta na de.